हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज 15 अगस्त है और यह हम सभी भारतीयों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है और इस दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। आज हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, तो सभी दोस्तों को, सभी फ्रेंड्स, सभी स्टूडेंट को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू 2023। तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, आइए जानते हैं इस वीडियो में। स्वतंत्रता दिवस हम लोग हर साल 15 अगस्त को मनाते हैं क्योंकि स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व भी है। और स्वतंत्रता दिवस हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 अगस्त 1947 को, यानी आज ही के दिन, यानी 15 अगस्त को भारत अंग्रेजों के शासन से मुक्त हुआ था। अर्थात भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान के फलस्वरूप, उनके संघर्षों के फलस्वरूप भारत 1947 में 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्र करने की, मतलब एक निश्चित डेट फिक्स की थी, जो 15 अगस्त 1947 थी। क्योंकि 15 अगस्त 1947 इसलिए फिक्स हुआ था उनके द्वारा क्योंकि 15 अगस्त के दिन ही 1945 में जापान और उसके सहयोगी देशों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया था। तो इसी के उपलक्ष्य में उन्होंने भारत को भी 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र करने की घोषणा की थी। तो आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो स्वतंत्रता दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन प्रधानमंत्री, यानी देश के प्रधानमंत्री, लाल किला पर सर्वप्रथम ध्वजारोहण करते हैं। ध्वजारोहण के तुरंत बाद राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं। और प्रधानमंत्री देश की वीर पुरुषों की गाथाओं का गुणगान करते हैं, साथ ही उनके आदर्शों पर हमें चलने की शिक्षा मिलती है उन महापुरुषों के जीवनी पढ़ने से। साथ ही हमें स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे हमारा जो व्यू है वो जानना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता दिवस हमें यह बतलाता है कि हम कोई भी कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इसका जो, मतलब, संविधान है वो, मतलब, ये बताता है कि हम कोई भी कार्य जो चाहें वो कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन प्रधानमंत्री जब झंडा तोलन कर देते हैं, उसके बाद अनेक कॉलेज, इंस्टीट्यूट, महाविद्यालय, विद्यालयों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर वहाँ के जो प्रधान होते हैं, मुख्य होते हैं, उनके द्वारा झंडा तोलन या ध्वजारोहण होता है। उसके बाद अनेक जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि हम कोई भी कार्य इंडिपेंडेंट रूप से कर सकते हैं और साथ ही हमें कुछ मौलिक अधिकार भी प्राप्त हैं जो हमें, मतलब, स्वतंत्र बनाता है। इंडिपेंडेंस डे के दिन हमें यह अनुसरण रखना चाहिए, यह याद रखना चाहिए कि कितने ही वीर पुरुषों की बलिदान, संघर्ष और उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप ही हम अंग्रेजों के गुलाम से मुक्त हो पाए। इसलिए हमें इस दिन कम से कम अपने जो भी वीर महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी रहे, उनके जीवन पर प्रकाश डालना चाहिए। इन वीर पुरुषों में महात्मा गांधी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, खुदीराम बोस है, भगत सिंह है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, विपिन चंद्र पाल है, सुभाष चंद्र बोस है, चंद्रशेखर आज़ाद है, बटुकेश्वर दत्त है, मोतीलाल नेहरू है, सत्येंद्र नाथ बोस है, रास बिहारी बोस है, बंकिम चंद्र चटर्जी है, रविंद्रनाथ टैगोर है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, साथ ही अशफाक उल्ला खान है, राम प्रसाद बिस्मिल है। इस प्रकार असंख्य ऐसे महापुरुष हैं जिनका नाम भी हम लोग नहीं जानते। उससे पहले जो भारत का स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था, उसमें भी अनेक महापुरुषों ने भाग लिया था, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, वीर कुंवर सिंह, ये सब प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इनके जीवन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि इन्होंने किस तरह भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए संघर्ष किया। और इनके जीवन से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हम भारत को कभी झुकने ना दें, भारत की हम लोग सुपुत्र हैं। और यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि कोई भी कार्य, हम जिस फील्ड में हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो,
हम एक अच्छे नागरिक बनकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर नागरिक फौज में ही जाकर देश की या भारत माता की सेवा कर सकता है। इसके लिए हमें अपने कार्यों को जागरूकता पूर्वक निर्वहन करके हम देश की सेवा कर सकते हैं। हमें साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए, सार्वजनिक जो स्थल है उनका अनुरक्षण करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। जो भी पर्यावरण के घटक है, जैव अजैव, उनका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन जो भी पर्यावरण या जो भी परंपरागत स्रोत है वो सब एक न एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो उनके संरक्षण के द्वारा ही हम भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र बना सकते हैं। साथ ही भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है, यह तेजी से विकास कर रहा है और विकसित देशों की श्रेणी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। तो हम सभी के सामूहिक प्रयास से ही भारत एक डेवलप कंट्री बन सकता है। तो हमें स्वतंत्रता दिवस के दिन यह निश्चित करना चाहिए कि हम एक सच्चे नागरिक के रूप में देश के विकास में समान के भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो अपने वाणी को विराम देने से पहले मैं दो पंक्तियाँ देश के बारे में कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। इन्हीं शब्द वाणियों के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। साथ ही यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। एक बार और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।